मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आज हम खड़े हैं जंगलों के बीच में जंगली बाबा का दर्शन करवाने। यहाँ दर्शन करना मतलब अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। बाबा देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ का कृपा दृष्टि आप तमाम भक्तों को मिले, इसी के कारण हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं बाबा का दर्शन करवाने। बाबा अपना प्यार और आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे ऐसे ही बरसाते रहें। तो प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तो आइए हमारे संग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं बाबा का दर्शन करके यहाँ पे तमाम चीज़ों को जानते हैं। आप ये देख पा रहे हैं देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ का प्रांगण, यह वह स्थान है, यह वह पवित्र स्थान है जिस स्थान के बारे में शब्दों में हम क्या बखान करें। जंगली बाबा का दर्शन करने के लिए लोग ललायित रहते हैं और यहाँ पे कहा जाता है वही आते हैं जो जिनके ऊपर बाबा की असीम कृपा होती है, अन्यथा आना संभव नहीं है। कहते हैं ना कि इरादे लाख बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इनके दरबार में वही आते हैं जिन्हें ये बुलाते हैं, यानी कि देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ बुलाते हैं, पिताश्री बाबा भोलेनाथ बुलाते हैं। इनके धाम में जो एक बार आ गया वह गदगद हो जाता है, वह धनी हो जाता है। और उसे हम अपने शब्दों में क्या बताएं, बाबा का महिमा अपरंपार है। इनके स्थान पे आने का मतलब आपका सौभाग्य यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आपके ऊपर भी बाबा का ऐसे ही कृपा दृष्टि बना रहे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वान, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी, श्री शंकर स्टोर्स। जो ना मिले कहीं वो केवल मिले ही बना रहे। बाबा आपको आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आप इस धाम में ऐसे ही पधारें। और विशेष जानकारी आइए हम यहाँ के प्रख्यात विद्वान पंडित जी के श्री मुख के माध्यम से आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं और चीज़ों को। मैं मंदिर का पुजारी, मेरा नाम महेंद्र माली। ये जंगली बाबा भोलेनाथ 1965 से यहाँ विराजमान है। पहले लोग नहीं जानते थे इस मंदिर का। धीरे धीरे 91 में हम यहाँ आए, 91 में आए यहाँ, थोड़ा पूजा पाठ होने लगा, जग जाप होने लगा। यहाँ पुजारी हमारा आर्मी की तरफ से हमेशा रहा है, अभी भी है। हम भी आर्मी की तरफ से ही डिटेल हो गए यहाँ है। तो जो भी पुजारी थे, हम 91 में आए तो उनको साथ लग गए, यहाँ सेवा करने लगे। सेवा करते करते पुजारी जी जब यहाँ से रिटायर हो गए तो हमारा अंदर में कमेटी था मंदिर का, उन्होंने लोग ने बोला जी अब कौन जाएगा मंदिर में। तो उन लोग देखा कि हमेशा पुजारी का साथ मैं रहता हूँ, तो बोला कौन जाएगा, पुजारी तो पहले डिपो में आ गया, उसी को दो, वो चलाएगा। मेरे ऊपर दे दिया गया। 91 से मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। भगवान का दया से यहाँ कुछ नहीं था। जब मैं आया तो एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। इतना जो विस्तार देख रहे हैं, धीरे 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 पब्लिक आना जाना, लोग अपना मन्नत मांगते गया और सबको मन्नत पूरा होते गया, ये मंदिर बढ़ते गया। बाबा, इस मंदिर का नाम जंगली बाबा पड़ा है, इसके पीछे क्या है कथा, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जंगली बाबा होने का सबसे बड़ा मकसद है कि 1965 में जो टूटा घर सब जो देख रहे हैं इधर, यहाँ फौज रहते थे, तो किसी जवान को स्वप्न हुआ है जो कहीं पर शिवलिंग है, तो वो जवान ने जंगल दिखाई दिया उनको और शिवलिंग दिखाई दिया, तो उन्होंने ढूंढा और घना जंगल, इस समय तो आप पब्लिक आना जाना तो था ही नहीं, वो ऐसा समय था, खाली फौज ही रहता था इधर, तो वो शिवलिंग जंगल में मिला, इसलिए जंगली बाबा से प्रसिद्ध है। किसका मन में बैठेंगे जो चलो जंगली बाबा, कहाँ से लोग आ जाते हैं। समय क्या है मंदिर में आने का? समय सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, 1 बजे तक खुला रहता है, 1 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, 3 बजे फिर खुलता है। देखता है हाथी जंगल है तो जीव तो रहेगा ही, उनका घर है ये, हम लोग कहाँ कहाँ से जंगल में आ जाते हैं, उनका तो घर है, वो तो रहेंगे ही। हम लोग देखते हैं, लेकिन चीता से आज तक इधर ये साइड में कभी खतरा किया नहीं, लेकिन हाथी ही है जो एक तो खतरा का, वो भी डर रहता है, वो भी जल्दी इधर खतरा नहीं करते हैं,
क्योंकि उनका घर में लोग आना जाना करता है, तो इसीलिए मंदिर के शिवालय में आज तक तो ऐसा कुछ खतरा नहीं किए हैं। हाँ बाबा, पूजा के सामग्री में क्या क्या लगता है और कहाँ से यहाँ प्राप्त हो जाता है, मंदिर से ही कि कहीं बाहर से लाना पड़ता है? देखिए, अपना अपना इच्छा अनुकूल लोग पूजा का सामग्री अपना इच्छा अनुकूल लेके आते हैं। हाँ, ऐसे जो कोई कुछ नहीं लेके आए तो मंदिर में आपको नुकुलदाना, अगरबत्ती, नारियल, ये सब कुछ कुछ आइटम मिल जाता है। हमारे पास रहता है, हमारे पास बैलेंस हमेशा रखते हैं। कोई साहब आ गया तो पूजा पाठ कराना है तो इसके लिए हम यहाँ हमेशा सामान बैलेंस रखते हैं और हटा दिए फिर खरीद के ले आके रख दिए, ऐसे करते हैं। आप दोनों का स्वागत है जंगली बाबा के स्थान में। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ से पता चला आपको इस मंदिर के बारे में, कितने वर्षों से आते हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं तो, मेरा नाम नील है, पटनागर से बिलोंग करता हूँ मैं, सिलीगुड़ी से। तो मैं लास्ट 3 ईयर से आ रहा हूँ और ऐसे कॉलेज टाइम में भी आते थे। उसके बाद जब कोई वगैरह कोई ब्लेसिंग लेना होता है, कोई काम अच्छा काम शुरू करने से पहले हम लोग कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। तो आफ्टर मैरिज के बाद भी अभी आना हुआ हम दोनों। यानी आपकी बातों से लग रहा है कि आपका जंगली बाबा पर बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास है। कॉन्स्टेंटली आते रहता हूँ, बोला जा सकता है। जब भी फ्री टाइम मिलता है आज आकर आपको कैसा लगा बाबा का दर्शन करके, कैसा लगा? अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग का फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। वाह, हमारे चैनल की ओर से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम एक्चुअली नील शाह है, प्रधान नगर सिलीगुड़ी से मिल रहा हूँ। पायल शाह, गुरु मुस्ती भी देखा है। जब से छोटा, जब से शुरुआत हुआ है, हाँ। जब तक हम लोग का बुद्धि था, छोटा था मंदिर, एक ही सिंगल। अच्छा। अभी तो इतना बड़ा हो गया, आस्ते आस्ते करके बड़ा हो गया बहुत। अभी तो इतना सारा बड़ा हो गया तो अभी आते हम लोग भी तो बड़े हो गए, तो हम लोग भी बाहर रहते हैं तो आते हैं, जब भी मौका मिला घूम के जाते हैं। हम लोग सिंगी जोड़ा, अच्छा, यार भरत गुरु। अच्छा।